Hi guys, welcome. Michelle, lighter dena. This video will be a sitting down video. Why? इस video के अंदर I will give advice to everyone. This is before. Who is applying to LUMS या thinking about applying to LUMS. I'm nowhere as competent to give any sort of advice considering the fact that मैं अभी अभी fail हो गया हूँ. बोल क्यों नहीं? मैं भी fail हो गया हूँ. ज़्यादा relate कर पाएंगे ना बोलते हुए. नहीं रुको, मैंने एक स्पीच लिखी हुई थी अपने लिए, मुझे बोलने दो. आई एम नोवेयर एज कॉम्पिटेंट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ एडवाइस. स्पेसिफिकली एकेडमिक एडवाइस, बट दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर एट LUMS एंड आई विश समवन वुड हैव टोल्ड मी दिस सूनर. देयर आर सेवन थिंग्स यू शुड नो बिफोर कमिंग टू LUMS. गाइस, ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद लिखे हैं फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, तो लाइक इट्स ओपन टू डिबेट. लेकिन आई थिंक दिस पॉइंट्स आर वेरी क्रूशियल. आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस. नंबर वन, स्टार्टिंग ऑफ विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एवर, CP. CP was not an issue because मैं usually बहुत बोलती हूँ, लेकिन for people like many people suffer from CP. CP is basically so CP is basically class participation. I feel like it's the breaking point of every single grade. तो CP आपने हर class में बोलना होता है, जो obviously थोड़े लोग भी बहुत nerve wracking होता है. तो this is one thing जो मेरे पिछले school में नहीं होती थी. तो आई थिंक पॉइंट नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क्स विजिबिलिटी. बेसिकली मतलब समझ बता रही हूँ ना, बताती हूँ. बेसिकली LUMS के अंदर आपको ना हर क्लास में गूगल लिंक मिलती है जिसके अंदर एवरीवन कैन सी सबके मार्क्स. तो ये बहुत डीमोटिवेटिंग था मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि बिकॉज सिंस आई वॉज स्कोरिंग बिलो माई क्लास फेलोज, तो मुझे था कि एम आई ज़्यादा डम. एट द बैक ऑफ योर माइंड आप अपने आपको कंपेयर करते रहते हो कॉन्स्टेंटली अपनी क्लास फेलोज के साथ कि मैं आपको खोल के भी नहीं देखी. मैं तो हमेशा करती थी कि वेयर आई रैंक इन क्लास, सबको पता होता है वेयर यू रैंक, एंड ये लोग शेयर भी कर देते हैं. एवरीवन इन LUMS कैन फाइंड आउट कि आप कहाँ रैंक कर रहे हो किस कोर्स के अंदर. इज नॉट पॉइंट विच आई थिंक जो मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ. यू हैव टू बी अ मल्टी टास्कर वन यू कम टू LUMS. LUMS के अंदर यू हैव सी पी, अटेंडेंस, क्विजेज, मिड्स, फाइनल्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, इनरोलमेंट, तो आपकी बहुत चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी ओवरबर्डनिंग फॉर समवन, एंड मैनेज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. एक कोर्स अगर आपका बुरा जा रहा था तो उसके साथ सारे कोर्सेज बुरे जा रहे हैं. आपकी सोशल लाइफ भी आपको लगता है यू हैव नो सोशल लाइफ. अगर आप LUMS आके लास्ट टू महीने पढ़ते हो ना, इन द सेंस कि आप फाइनल से पहले पढ़ लो या मिड से पहले पढ़ लो, यू विल नॉट स्कोर वेल. अच्छा पढ़ लो ना फाइनल में, जैसे मैंने फाइनल में गंदा किया, मेरा ग्रेड बच्चा ना पढ़ी. अच्छा हाँ गाइस, हाँ स्नेक्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेक्स होते हैं. लोग कहते हैं कि ब्रो बहुत गंदा ग्रेड हुआ है, एंड देन दे एंड अप स्कोरिंग लाइक बहुत ज़्यादा और मीन बहुत हाई कर देते हैं. ऑनेस्टली आपकी मेंटालिटी पे भी इफेक्ट होता है कि अच्छा उनका व्हाट दे आर बैड इज योर गुड. यू हैव टू प्रायोरिटाइज या तो योर स्टडीज, सोशल लाइफ, या फिर ओवरऑल सोसाइटीज़ इन जनरल. अनदर पॉइंट इन द सोसाइटीज़, सो सोसाइटीज़ LUMS के अंदर इज़ अ वेरी बिग डील. इज अ डांस सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी. LUMS ज्वाइन किया था मुझे अपनी बहन ने कहा था कि अप्लाई टू एज मेनी सोसाइटीज एज यू कैन. सो आई अप्लाई टू फोर. आई अप्लाई टू डांस LUMS, स्पोर्ट्स, LCG एंड LUMS एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी. बिकॉज यू हैव सोसाइटीज एंड एकेडमिक प्रेशर इज वेल, तो बहुत ओवरबर्डनिंग हो जाता है लाइक आई सेड बिफोर. एंड मैनेजिंग ऑल दो सोसाइटीज, तो अल्टीमेटली यू हैव टू लीव अ फ्यू बाद में जाने. पॉइंट फाइव, मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, बिकॉज उसके बाद दोस्त नहीं बनते. क्यों? सबसे ज्यादा दोस्त सॉफ्टवेयर में बनता है, शर्त लगा दो. नहीं, प्रॉपर ग्रुप आपका सॉफ्टवेयर में बनता है. वीडियो है एवरी ईयर ना, तो जो मैंने सेवन थिंग्स सॉफ्ट में सीखनी होगी, गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल, ब्रांच आउट. यहाँ डे स्कॉलर्स जो होते हैं लाइक मी, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे मेकिंग फ्रेंड्स, इन द सेंस कि जो हॉस्टलाइट्स होते हैं आप बैठे रहते हैं, आई एस टी पे पढ़ते रहते हैं, सो इट्स प्रीटी फन. LUMS की नाइट लाइफ अच्छी होती है, लाइक जो रेव्स होती हैं थर्सडे नाइट को या फ्राइडे नाइट को, वो डे स्कॉलर्स कांट एक्सपीरियंस. पॉइंट नंबर सिक्स, विच इज़ माई फेवरेट पॉइंट एवर, ओ वीक इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम हेयर इन LUMS. लाइक आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस ज़्यादा. रबा एक अनोइंग सी लड़की आपको याद है, वो बिल्कुल याद ही बैठी. वो मुझे ओ वीक में मिली थी, ओ वीक के बाद मैंने उसको देखा भी नहीं.
एंड आई फील लाइक इट रियली डिपेंड्स ऑन आपके ओवी के कोचेस एज वेल. ओवी बच्चे भी हां ओवी ग्रुप पे भी आप बहुत डिपेंड करता है. जैसे लिटरली अभी एक्सपीरियंस करके आ रही हूं द मैथ डिपार्टमेंट सक्स. आप कैन यू नो यू गेट फोर्स्ड इन टू या तो क्याल या फिर क्याल इस कॉन्टेस्टेशन पे जाया करो फॉर मैथ डिपार्टमेंट क्योंकि वैसे तो आपको मार्क्स नहीं आने. दिस वाज माय एडवाइस फ्रॉम माय एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेशमैन अ स्ट्रगलिंग फ्रेशमैन पीपल दैट आर अप्लाइंग या थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग टू लम एंड आई होप दिस हेल्प्ड यू समहाउ. बाय. नो वन लाइक अस. आई एम सॉरी फॉर रैंटिंग. बाय. जिंदगी ऐसी जी तब चाहे जिंदगी.